गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुलता किचन एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, मेरा आदि भी ठीक है, आई होप आप सभी भी ठीक ही होंगे। आज है शुक्रवार और अभी टाइम बज रहा है शाम के टाइम, तो मैं आज एक लस्सी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उड़ीसा के फेमस लस्सी तो हर किसी को ही पसंद होता ही है। अभी गर्मी के सीजन भी पड़ गया है, लस्सी तो हर घर पे ही बनता होगा और कोई बाज़ार भी जाता है तो लस्सी खाने का मन करता है। उससे ज़्यादा मैं घर पे बना के खाऊंगी तो अच्छा है। तो एक बार घर के बना के खाना बड़ा टेस्टी लगता है, अच्छा होता है। लस्सी तो हर किसी को भी पसंद, मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए मैं वही लस्सी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लस्सी तो हर किसी को बनाना आता है, लेकिन कोई कोई दही में सिर्फ बनाता है, लेकिन मैं आज दही और केला दोनों को मिला के मैं बनाने वाली हूँ। टेस्टी लगेगा, देखना वीडियो को लास्ट दाई फिर पता चलेगा। तो चलिए मैं पहले आप लोग को बता दूंगी लस्सी के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो नहीं आएगा आप उसको मिस ना कर सकते हो। तो चलिए लस्सी बनाते और खाते उसका मज़ा लेते। तो मैं पहले आप लोग को देखा देती हूँ लस्सी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो हमको केला चाहिए, मैंने यहाँ पे एक केला लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पर एक दही का पैकेट लिया है, आप देख सकते हो, ये अमूल का। आप दूसरा कुछ का आप मिलता है तो भी ले सकते हैं, या फिर घर के दही भी बनाते हो ना तो घर का दही के भी बना के आप कर सकते हो। उसके साथ मैंने यहाँ पर ये शक्कर लिया है, जितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से दूंगी। उसके साथ मैंने यहाँ पर एक बनबेटा लिया है, यहाँ पे नारियल को मैंने कद्दूकस करके लिया है, आप देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पर मैंने ये राबड़ी लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पर काजू बादाम और चेरी की कट करके रखा था एक से। लस्सी के लिए जितना कला अच्छा पकेगा ना उसी हिसाब से आप लेना, कला अच्छा पकता है ना तो लस्सी का टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो कला थोड़ा कच्चा कच्चा रहता है ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये लस्सी और दही को दोनों को ग्राइंडिंग कर दूंगी। देख सकते हैं मैंने केला दे रही हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक केला दे दिया है। इसके साथ ये दही में दूंगी। जितना दही चाहिए उसी हिसाब से मैं दूंगी। उसके साथ आपको ये ठंडी पानी देना, फ्रिज का ठंडी पानी उसमें डालना है, या फिर आइस भी आप ऊपर से डाल सकते हो। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें पानी दूंगी थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा पानी दू रही हूँ, बाद में मैं ठंडी पानी ऐड करूँगी। पानी देखिए मैं अभी उसमें, हाँ सॉरी, उसमें मैं शक्कर भी डालूंगी। सारा शक्कर मैंने दे दिया है, अभी मैं इसको एक ग्राइंडिंग कर दूंगी। तो चलिए ग्राइंडिंग पे कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ग्राइंडिंग कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 गिलास लिया है।
को सेव करके रखा था उसको देखा है। चेरी बादाम और काजू दे देंगे हमें। जो रैबिट रखा था उसको दे दूंगी। अभी आप लोग देख सकते हो मेरी जो लस्सी है कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। कई ज़्यादा खाने में उसका टेस्ट बड़ा टेस्टी लगता है। एक बार जरूर बना के खाना। चलिए मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। आपने तो देखा मैंने लस्सी कैसे बनाया, मैंने जिस तरीके में बनाया एक बार मेरी तरीके पे बना के खाना, बड़ा टेस्टी लगता है। सच में बड़ा टेस्टी हुआ था, मेरे हस्बैंड बोली सच में बहुत अच्छी हुआ था। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, लेकिन हाँ एक बार लस्सी बना के खाना, बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आज का वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, आज का वीडियो मैं यहीं पर रखूँगी। आप लोग के साथ कल मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो नहीं आएगा आप उसको मिस ना कर सकते। तो चलिए रखती हूँ, कल मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, बाय।